अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तो इसे मान लिया जाए कि 5 तारीख से आप लोग भी अब ऑफिशियल संकल्प कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, इसे वही माने ना? ये इसको आप लोकसभा चुनाव से इसको इसका महत्व को घटाइए नहीं, ये हम लोगों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, इसको लोकसभा चुनाव से नहीं। जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ रहे हैं, आरएसएस के जो थिंक टैंक है, जो बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा हुआ बात है उसको जिस तरह से धीरे धीरे अपनाने का काम कर रहे हैं, उस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर और सशक्त और मजबूत होगी तो आने वाले समय में न सिर्फ देश का झंडा बदलेगा बल्कि संविधान भी बदलेगा और आरक्षण की व्यवस्था भी बदलेगी। उसके खिलाफ हम लोग भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं जिसमें कि आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले उनके निर्णय हैं उसके खिलाफ सजग करके रखें कि जो हमारे जो 5 साल और 10 साल का बच्चा भी है वो भी समझे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्ण व्यवस्था को इस देश में दोबारा स्थापित करने वाले लोग हैं और वर्ण व्यवस्था के पैरोकार हैं। इसीलिए और इस जो तिरंगा है इसका भी ये लोग तिरंगा का कलर भी बदल देंगे, भगवा कर देंगे, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले बात करने वाले काम बात को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसके बारे में अपनी पीढ़ी को और अपने समाज के लोगों को सजग करना चाहते हैं। अमित शाह भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, हम लोगों का ये कार्यक्रम जो निर्णय आज हुआ है सभी पार्टी के लोगों के 4 वर्ष के बाद उसका नामकरण है भीम संसद और उसका स्लोगन है संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। और हम लोग इन 17-18 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने कैसे इस प्रदेश में जो लंबे समय तक पिछड़े पायदान में लोग खड़े थे उनको कैसे आरक्षण लेकर के राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस आरक्षण के खिलाफ में या जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ अब तक क्या काम किए गए हैं इसका हम लोग कच्चा चिट्ठा जारी करेंगे। हिंदू चिंतन, हिंदू विश्वास, हिंदू आस्था का जो रोज अपमान हो रहा है विपक्षी गठबंधन के द्वारा, इसीलिए आपको घमंडिया कहते हैं, क्या आपको घमंड है कि देश हम समझते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है। सोनिया गांधी जी, आपके लोग संविधान समझते हैं पढ़ते हैं? और सोनिया जी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज संविधान बनता, अगर बनता और आज की संविधान सभा में इन महान देश के विभूति ईश्वर को स्थान देने को आप कितना चिल्लाते? आप यही है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण हिंदू आस्था का तिरस्कार, हिंदू चिंतन का अपमान करते, देश की परंपरा का अपमान करते, हम नहीं सहन करेंगे। और मैं क्या बोलूं, तमिलनाडु के लोग जो कर रहे हैं उसका जवाब जनता देगी, लेकिन जो लोग खामोश हैं, मौनम स्वीकृति लक्षणम, कुछ लोग बोले हैं लेकिन सोनिया गांधी खामोश है, राहुल गांधी खामोश है। उनके एक महामंत्री बोलने के लिए आए थे तो सर्वधर्म संभाव को ही नहीं बोल पाते, देखा वो में ये अब अपमान नहीं सहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सवाल लेते आ रहा हूं जी। राहुल गांधी से पूछना है, मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है?
मैं फिर ये इस्तेमाल कर रहा हूं, सोनिया गांधी की आप जवाब दें और राहुल गांधी की आप जवाब, ये बार बार हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन सत्य, इसके खिलाफ क्यों बेअदबी की जा रही है? पहले स्टालिन साहब के पुत्र ने बोला कि मलेरिया है सनातन, डेंगू है सनातन, आज ए राजा कह रहे हैं कि ये वही नहीं, ये तो कोड़ है, ये तो HIV एड्स। आपके गृह मंत्री कर्नाटक के सवाल कर रहे हैं कि हिंदू धर्म कब आया, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र खड़गे साहब क्या क्या बोल रहे हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पुत्र पर कोई कंट्रोल नहीं है। सोनिया गांधी की भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी? ये मुझे पहला सवाल आपसे पूछना है। और सुनिए, आप खामोश हैं, और आपके पुत्र कितना सनातन और हिंदुत्व को समझते हैं उसकी चर्चा छोड़ दीजिए। आप सोनिया गांधी में आपसे सवाल,